गोरखनाथ मंदिर व श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के तत्वाधान में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के 8वें दिन मानस कथा मर्मज्ञ मुरारी बापू ने श्रोताओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि मानस में और नाथ संहिता में जोगी और नाथ शब्द 32 बार आया है, लेकिन योगेंद्र के मिलते ही यह 33 बार हो जाता है। महाभारत और भागवत गीता में भी योगी शब्द 32 बार ही आया है। ये मात्र एक संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई सात्विक एवं दैविक संकेत है। बापू ने मानस में आए योगी शब्द के 32 स्वरूपों का चौपाई के माध्यम से गुणगान करते हुए आज कथा पंडाल को व्यासपीठ से योगी में जागृत कर दिया। राम का नाम कथा में लेते हैं तो लोक लाज छूट जाता है, मारिच का छल छूट जाता है, अहिल्या की मूर्ता छूट गई है, पाप ताप वसंताप छूट गया। जनकपुरी में राम को देखकर मिथिला नरेश का ब्रह्म ज्ञान छूट गया। जब धनुष टूटा तो परशुराम का अभिमान टूट गया और घमंडी राजाओं और राजकुमारों का अभिमान भी टूट गया। ये महिमा है प्रभु श्री राम की, इनके दर्शन मात्र से संसार के समस्त विकार पीछे छूट जाते हैं। यह महामंत्र है। शिव धनुष भंग व सीता राम विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए बापू ने कहा कि जब भी श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नरेश की राजधानी में प्रवेश करते हैं तो समस्त मिथिलावासी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। ज्ञानी पुरुष दूर से जबकि बच्चे श्री राम के समीप आकर व महिलाएँ अट्टालिकाओं के ओट से श्री राम व लक्ष्मण के अद्भुत रूप का दर्शन करते हैं। विश्वमित्र श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्राम स्थल पहुंच जाते हैं, जहां संध्यावंत के क्रम में दोनों भाई गुरु के समीप बैठकर उपनिषद पर चर्चा में गुरु की सेवा करते हैं। अगले दिन प्रातः गुरु विश्वामित्र की वंदना के लिए राम और लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए वाटिका में जाते हैं। उसी समय माँ जानकी भी गौरी पूजने पुष्प वाटिका में आती हैं। जैसे ही सीता वाटिका में प्रवेश करती हैं तो उनके कटिभाग के करधनी, पैरों के नुपुर व हाथों के कंगन की ध्वनि से राम का ध्यान सीता माँ की ओर चला जाता है। दोनों लोग एक दूसरे को देखते रह गए हैं। यहाँ करधनी संयम, नुपुर सदाचार व कंगन समर्पण का प्रतीक है। आचरण संयम व समर्पण की एक महत्वपूर्ण धुरी होती है, एक आभा होती है जो स्वयं भगवान को भी आकर्षित करती है। स्वयंवर का दृश्य मंच पर विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ विराजमान है। स्वयंवर में खंड खंड दीप दीप से राजा व राजकुमार आए हुए हैं। बीच में शिव का धनुष रखा हुआ है। तभी मिथिला नरेश कहते हैं, जो शूरवीर शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री जानकी का विवाह उसी परमवीर से होगा। एक एक कर सभी राजा महाराजाओं ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को तनिक भी हिला न सके। तभी विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष की ओर समीप गए। श्री राम ने बड़ी ही सरलता से धनुष को उठा लिया तथा प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान धनुष मध्य भाग से टूट गया। जनक ने विश्वामित्र के कहने पर राजा दशरथ को राम के स्वयंवर जीत लेने का संदेश भेजा। अपने सगे संबंधियों के साथ राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे। सकुशल राम विवाह संपन्न हुआ तथा विश्वामित्र के कहने पर जनक के भाई की पुत्रियों का विवाह दशरथ के अन्य तीनों पुत्रों भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण के साथ कर दिया गया। बापू ने अंत में कहा कि रामचरित के गुणगान से मेरी वाणी शुद्ध हो गई है। राम का चरित्र सिंधु है, उसे कोई पार कर सकता है क्या? इसी के साथ बापू ने रामकथा को 8वें दिन विश्राम दिया। रामकथा सुनने बड़ी संख्या में पंडाल में भक्तगण मौजूद रहे। बेदी है, सरोवर में स्नान किया है, मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की स्तुति की है, अपनी औकात के अनुसार वरदान प्राप्त, निज अनुरूप सुभद वर। इतने में एक सखी फुलवाई देखने में पीछे रह गई थी, वो दौड़ के आई किशोरी जी को कहती है, गौरी पूजा गौरी स्तवन तो बाद में भी होगा, तो पुष्टि की रात्रि को कि एक कौन राजकुमार आए हैं जिसमें पूरे नगर को मोहनी डाली है। किशोरी जी भीड़ में तो ठीक से देख भी नहीं पाते, तेरी जिज्ञासा वो राजकुमार अभी बाद में घूम रहे हैं, हाँ पहले उसको देखो, गौरी पूजा बाद में किए तुमने देखा है, बोले देख कर वहां तक पहुंचने में अब मुझे इतना हो रहा है, तू जरा बयान तो कर कि कैसे रुकते कैसे रुकते चांद हो रे
वो जुबा नहीं है बेचारी, बोले कैसे? और किशोरी मेरी जुबा बोल तो सकती है लेकिन उसको आंख में ये अवर्ण नहीं है, अगथन नहीं है, बिल्कुल बड़ा पुराना न्याय है। नजर है जुबा में फारसी में, जुबा में नजीर, जुबा जिक्र होता है जब गया मत्ता, तेरे जलों की बात होता है, जुबान को आंख नहीं होती और आपको जुबान नहीं होती है। इसी रूप अलौकिक रूप, लौकिक नहीं, उसी सखी को आगे करके जान कीजिए राम दर्शन के लिए आगे बढ़ती है। पैर के ऊपर हाथ के कंगन, कटी भाग की करधनी की आवाज होती है, तीन प्रकार के आभूषण की आवाज भगवान राम को जरा चारों ओर देखने के लिए मजबूर कर रहे। ये कौन है? किं करने संयम और आदमी का समर्पण, उसकी एक मधुर ध्वनि होती है जो ब्रह्म को हमारी ओर खींचती है। क्या हम ब्रह्म को खींचता है? प्रभु चारों ओर देखने लगे, भगवान किशोर जी को देख लेते हैं, तुरंत लक्ष्मण जी को कहते हैं जनक कन्या होने लगी। सीता जी राम के उसमें डूब गई। एक सखी ने कहा किशोरी देर हो रही, चलो फिर यही बढ़िया कल आएंगे। और जानकी देखन मिस देख बेहद करू, क्या क्या बहाना बनाती है किशोरी सखी ने। तो कहते हैं जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, पूरी प्रभु मुझे बादल शान कराते हैं, सब वृक्ष रिश्ते नाते हैं, ऐसा कहकर पूरी प्रकृति के साथ ओतप्रोत हो जाता है। जानकी जी गई भवानी भवन बहोरी, मंदिर चरण बोली कर जोरी। दूसरी बार मंदिर में आई, भवानी के चरणों को प्रणाम करके किशोरी जी ने सखियों के संग माँ गौरी की स्तुति की। मेरे गोस्वामी जी ने दी और प्रेम से जान
कीजिए, दुर्गा की स्तुति कीजिए। विनय प्रेम के वश हुई भवानी, मुस्कुराई बोली, कंठ से माला गिरी, प्रसाद के रूप में किशोरी जी ने सिरोधारी। क्या प्रिय घटना घटी। हम मंदिरों में जाते हैं तो पुजारी ठाकुर जी की माला निकाल चुके हैं, कहीं ठाकुर जी नहीं देखे। यहाँ किशोरी जी की माला स्वयं ने गिराई, किशोरी जी ने, दूसरा मूर्ति मुस्कुराई भवानी, और तीसरा मूर्ति बोली। अब बुद्धि ग्रहण नहीं करती कि भाई मूर्ति मुस्कुराए मूर्ति बोले संबंध नहीं, और हमारे जीवन में तो ये बात हम स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ तो पड़ोसी भी नहीं बोलते मूर्ति काम बोलते। अरे पड़ोसी तो एक दीवार के बाहर है, पति पत्नी नहीं बोलते। मां तपस्या कौन छोड़े, विनोद ऐसा होता है, ये तो विनोद है लेकिन नहीं बोलते। कई लोग 15-15 दिन जल में पति पत्नी बोलते हैं, हमारे मेरे देश के दाम्पत्य जीवन को किसकी नजर लग गई मेरी समझ में नहीं आती। पति पत्नी 8 दिन से नहीं बोलते, सर्दी के दिन रात को हल्के फुल्के कपड़े पति ने पहने थे, धोती और कुर्ता, और फिर एक अंगूठी जलाई सर्दी के दिन, तो दोनों तापने बैठे गर्मी लेते हैं, बीच में सगड़ी जल रही, इधर पुरुष मास है, उसकी देवी बैठी है, तो बोलना तो बंद है, दोनों गर्मी ले रहे हैं। इसमें से अचानक हवा का झोंका आया, अग्नि की एक चिंगारी, एक हुडा उठ करके उसकी पतली धोती में गया, उसको पता नहीं, वो तो वैसे ऐसे मिस कर रहा ताप लिया, और धोती में अंगार गिरा, और वो अपना प्रदेशवाद बढ़ाने लगा, धीरे 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 धोती का ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने लगा, जैसे हमारे पड़ोसी किया करते हैं। अब पत्नी सामने बैठी थी, उसका ध्यान गया, मेरे पति देव की धोती जल गई, लेकिन मेरा कमाऊ मैं बोलूँ कैसे हाथ जाऊँ, और यहाँ अग्निदेव उलट उलट सब लंका जा रहा था, धीरे 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 विस्तार बात बढ़ता गया, और आखिर पत्नी पत्नी है तो रहा नहीं गया, तो पति से नहीं बोली लेकिन ऐसे तापते तापते बोली, किसी की धोती जले इसमें मेरा क्या जाए, किसी की धोती हमारे साथ परिवार के सदस्य नहीं बोलते तो मूर्ति कैसे बोली। मूर्ति कहती है मैं बोलने को तैयार हूं, लेकिन तेरे परिवार के सदस्यों के साथ तू मुस्कुराकर बोल, प्यार से जी। बोली और गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा कि नाम के वचन को याद रखना, तेरे मन में जो सांवरा बस गया वही तुम्हें मिलेगा। माँ के स्पष्ट शब्द और गोस्वामी जी का छंद, तो चिड़िया चुप गई थी, और
कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो शादी के लिए जो तैयार है उसको मेरी मानस के आधार पर एक बिन मांगी राय कि युवक गुरु पूजा करे और कन्या गौरी पूजा करे तो कन्या को मन भावन पति मिलेगा और युवक को मन भावन पति मिलेगी। शर्त है गुरु पूजा और गौरी पूजा। बस राम जी गए बाग में, गुरु की पूजा के पुष्प चाहिए। किशोरी क्यों गई? निज अनुरूप की मांग करने के, निज अनुरूप का संकेत उसको मिल गई। जिसकी शादी बाकी है वो ये इतना काम कर हो गई उसको, तो अल्लाह उसको अल्लाह रखे। तो बस हो गई शाम को, अब तो कोई उतार नहीं। लेकिन जिसकी बात है, एक भाई 40 साल का हो गया, कहीं कोई 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 कन्या है जिसको पसंद आए, पिता को पसंद आए तो उसके माँ मना कर नहीं, ऐसी लड़की तो नहीं। मित्र ने सलाह कि तुझे पसंद आए ऐसी लड़की के बारे में तेरी माँ मना करती है, तो तू एक काम कर, तेरी माँ को पसंद आए ऐसी लड़की पसंद कर ले तो फिर ना कहने का अवसर नहीं है। बोले ऐसी पसंद करता हूँ तो मेरा पिता मना करता है कि तेरी माँ जैसी तो लाना तो मेरा बाप मना कर, मैंने कोई नहीं पढ़ना, मेरी वीर पढ़ना माँ गुरु पूजा गौरी पूजा मानस का संदेश। किशोरी जी भवन लौटती है माँ से, हृदय के भाव से कह दिया थोड़ी देर हुई माँ यहाँ हृदय सराहत सी यमुनानी गुरु समीप भवने नौ भाई दोनों भाई गुरु के पास और सुमन भाई मुनि पूजा। भगवान का पवित्र मन को पहचान कर गुरु ने आशीर्वाद खूब दोनों उनका तो भी और राम के मन की निर्दोषता को पहचान कर सुमन पाई मुनि पूजा के लिए दोनों भाई को आशीर्वाद दिया। सुखद मनोरथ दूसरा दिन बीता, सायंकाल को संध्या करने के लिए राम लखन गए, पर सायंकाल की संध्या तो पश्चिम की ओर मुखर करने के बाद सूर्य जो, लेकिन भगवान जानकी जी के उसी में इतने डूबे हैं कि पूर्व दिशा की ओर देखकर सायंकाल की संध्या करो, देखा होगी तो चंद्रोदय हुआ और जानकी के चंद्रमुख को याद करके ही प्रभु विष्णु डूब गए। बड़ा सुंदर, ये भी एक मेरी दृष्टि में स्वतंत्र प्रसंग, इतना छोटा सा प्रसंग एक स्वतंत्रता लिए बैठा। दोनों भाई लौटे हैं, फिर रात्रि को जो क्रम रहा वो हुआ, दूसरे दिन धनुष्य का समय है, किशोरी जी के भाग्य का निर्णय होने वाला है। राजे महाराजे धनुष्य की भूमिया हमें आने लगे और यहाँ शतानंद जी पधारे। महाराज जनक जी ने बुलावा भेजा है, महर्षि विश्वामित्र जी से निवेदन किया आप राजकुमारों को लेकर आए और भगवान राम लखन गुरु के साथ है, पर भगवान राम का प्रवेश जनक ने अपनी रचना दिखाई, विश्वामित्र जी ने प्रसन्नता व्यक्त की पर राम को देखने वाले अनेक व्यक्ति की दृष्टि भी बिगड़ गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जाती रही भावना जैसी, जिसका जैसा भाव ऐसी राम की भी, साहित्य के नव नव रस वहां तुलसी ने उड़े लिए हैं। इसको किस रूप में प्रभु जी एक ऊंचा मंच पर वहां विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण को बिठाया था,
कि सब मंचस्थ को देख पाए, मंचस्थ सबको देख पाए। बंदीजन खड़े हुए, मिथिलेश जनक किए, प्रतिज्ञा घोषित कर दी, हे राजे महाराजे, अब दिन दिन खंड खंड से आए, जिसकी किसी से तुलना नहीं होगी, ऐसी हमारी किशोरी जी उसके कंठ में जय माता दी आरोपित करेगी, जो इस सिरधनुष को उठा करके वो करेगा। घोषणा हुई है, एक के बाद एक राजा अभिमानी मूढ़ राजा विफल प्रयास करने लगे। संक्षेप में कह रहा हूं, तुलसी कहते हैं कितने राजा बदल गए, लेकिन धनुष किसी से कुछ नहीं हुआ, सवार में सन्नाटा हो गया। जनक को बहुत चिंता हो रही कि मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, और इस ऐसी क्षण में जनक भी अपना आपा खो बैठे, खड़े होकर कहने लगे कि द्वीप द्वीप खंड से आए राजे महाराजे, मेरी प्रतिज्ञा आप सुनकर आए। अरे धनुष तोड़ना दूर की बात है, लेकिन तीर भर भूमि कोई छुड़ा भी ना सके, अब प्रतिज्ञा तोड़ू तो सत्य जाए, प्रतिज्ञा न तोड़ू तो मेरी बेटी कुमारी रह जाए, मेरे लिए असमंजसता है। लेकिन आप सुन लो, इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा, आज से मैं घोषित करता हूं वीर विहीन मही मैं जा, मैंने जान लिया धरती वीर विहीन हो चुकी। वीर विहीन जब कहा, लक्ष्मण जी से नहीं साथ विश्वामित्र राम ने देखा, देखा हाँ प्रभु, जनक अनुचित वक्तव्य दे रहे, आप विद्यमान हैं, मैं हूं, और जनक जी कहे कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अरे महाराज, पृथ्वी मेरे मस्तक पर रहती है और पृथ्वी का धारक मैं हूं, ऐसी धरती पर वीर है कि नहीं वो निर्णय लक्ष्मण कर सकता है, जनक नहीं कर सकता। कैसे बोले एक अयोध्या का किशोर कैसा निर्भीक होकर एक ज्ञानी महापुरुष का जो जवाब दे रहा है, और बार बार बोले जनक ठीक नहीं बोल रहे, अनुचित बोल रहे जनक। राम जी ने इशारा किया, भाई तू बोल रहा है अच्छा लगता है, लेकिन जरा मान वाचक हो, सम्मान के साथ महाराजा जनक ऐसा बोल, ऐसा बोल, जनक जनक क्यों कह रहा, हमारे ससुर होने वाले आए, अभी से बिगाड़ मत। लेकिन राम राम लगन को भी मत हो, अरे बोलो उसने भीड़ भी हिंद मही कह दी, लगन उसने वीर भी हिम कही है, लेकिन रघुवीर भी हिम कही है, वीर नहीं है लेकिन रघुवीर भी हिम कही है। विश्वामित्र महाराज प्रसन्न हुए हैं, उठ राम भंजे बहुत, हे राम उठो, शिव के धनुष को तोड़ो, और भगवान राम गुरु को प्रणाम करके धीरे धीरे नीचे उतरे। राम जी को लगा कि धनुष टूटने पर ब्रह्मांड अपने काबू में ले रहा, जो शिव धनुष के पास आकर यही विनम्रता यही सरल स्वभाव, भगवान त्रिभुवन गुरु महादेव का धनुष है, उसको आदर देते हुए एक परिक्रमा की और किशोरी की ओर देखता, किशोरी जी को एक एक पल जुट समान जा रहे हैं, और भगवान को हुआ कि समय पर नहीं टूटा तो शायद किशोरी जी जान दे, समय पर काम होना चाहिए। दो तीन बार ऐसे जानकी जी के सामने देखा, फिर राम जी को लगा कि अब क्षण बीता ना ठीक, हमारे राजेश रामायण तब नहीं रहे साथ पर, वो तो उनके हमारी बात साथ चलती बात चलती थी, तो वो कहते थे कि मिलने वाले तो आज तक ये कहते थे राम में बहुत कमजोरी थी, उसके खास भूल उसको इसे तो लक्ष्मण कितना भूले, राम तो चुप कर बैठे, तो
तो फिर तोड़ा तो राम ने, मुझे लवासी नहीं वो कैसे तोड़े, तो बोले तोड़ा तो राम लेकिन अपने बल से नहीं तोड़ा, वो तो हमारे किशोरी जी की ओर दो दो चार बार ताकते रहे इसमें ताकत आ गई। अपने गुरु को फिर आदर दिया, त्रिभुवन गुरु को आदर दिया, जानकी जी की स्थिति और भगवान राम ने धनुष को कैसे पकड़ा, कैसे उठा, कैसे कोई माई का लाल देख नहीं मैं कैसे हुआ, हम तीनों को एक मत से कहते सकल अमानुष्य मनुष्य करे ऐसा कर्म। गोस्वामी जी ने केवल हमें खबर दी क्योंकि सभी कान बंद कर दे, आंखें कुछ देख नहीं पाई, चला चौंक तो खड़े हो गए थे, लेकिन गोस्वामी जी ने हमको सावधान करते हुए चौपाई ली कि दैव छाण में राम मर के भगवान राम ने धनुष तोड़ा इसी का।